आपका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडी स्पेस स्वागत है। सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको सुंदरकांड के बारे में बताने जा रहे हैं। सुंदरकांड जहाँ पे भी होता है, कहा जाता है कि हनुमान जी साक्षात वहाँ पे आते हैं, राम जी भी रहते हैं, जहाँ हनुमान जी रहेंगे वहाँ राम जी रहेंगे। तो मैं पूरा सुंदरकांड का पूरा सीरीज बना रहा हूँ, ये हमारा तीसरा पार्ट है। और इस पार्ट में विभीषण का और हनुमान जी का जो संवाद है उसमें हम मुख्यतः आपको बताएंगे। जब हनुमान जी प्रवेश कर जाते हैं लंका में, तो उसके बाद उन्हें एक ऐसा सात्विक जगह मिलता है जहाँ पे भगवान का भी पाठ हो रहा था, मंदिर भी था, और वो विभीषण का घर था। देखिए, सुंदरकांड में हनुमान जी का लंका प्रस्थान, लंका दहन से लंका से वापसी तक की घटनाक्रम आते हैं, सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं हनुमान जी और विभीषण जी के संवाद के बारे में। दोहा जो है वो है, रामायुध अंकित गृह शोभा बरिणी न जाई, नव तुलसी का वृंद तह देखई हर्ष कपिराई। मतलब भावार्थ ये है कि वो महल श्री राम जी की आयुध की चिन्हों से अंकित था। आयुध मतलब धनुष बाण, उसकी शोभा वर्ण नहीं की जा सकती। वहां जीवन, वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित होते हैं। अगला जो चौपाई है वह है, लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर बासा, मन मोह तर्क करें कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। इसका अर्थ है, लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, जैसा कि हनुमान जी को बताया गया था। हनुमान जी सोचते हैं आपके सज्जन का निवास कहां है। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे और उसी समय विभीषण जी जागते। सज्जन मतलब साधु पुरुष, उस टाइम के साधु पुरुष कहलाते थे जो सज्जन थे। अगला जो अध्याय है वो ये है कि राम राम ते ही सुमिरन किन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा, यही सन सठी करहूं पहचानी, साधु ते हुई नकार जानी। मतलब इसका जो अर्थ है, उन्होंने राम का नाम का स्मरण किया है, उन्होंने मतलब विभीषण जी ने राम के नाम का उच्चारण किया है, हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए, बहुत खुश हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके परिचय करूंगा। अब हट कैसे किया, हट तो हनुमान जी कर सकते हैं। तो हनुमान जी बोलते, नहीं बताएंगे तो मैं हट करूंगा, पर पता जरूर करूंगा ये है कौन। क्यों? क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती है। साधु मतलब सज्जन पुरुष से कभी काम की हानि नहीं होती है, परंतु लाभ ही होता है। और उसके बाद, विप्र रूप धरी वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठतः आए, कई प्रणाम पूछी कुसलाई, विप्र कहूं निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। हनुमान जी बुलाते हैं, सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आते हैं, प्रणाम करके कुशलता पूछते हैं। आप पूछते, हे ब्राह्मण देव, आप बताइए, अपनी कथा समझा कर कहिए कि आपको क्या चाहिए। तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम हरिदासन न मह कोई, कि तुम हरिदासन न मह कोई, मोरे हृदय प्रति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आय हु मोही कड़न बड़वाली। हनुमान जी पूछते हैं कि क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है, अथवा क्या आप दोनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं जो मुझे बड़भागी बनाने आए हैं। मतलब घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने वाले को बड़भागी कहते हैं। अब अगला दुआ है, तब हनुमंत कहीं सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमरी गुण ग्राम।
लाइन समझिए, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमरी गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के जो शरीर में था कंपन हुआ और पुलकित हो गए, और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन मग्न हो गए। राम जी का तो नाम ही ऐसा है, राम शब्द निकला नहीं कि उस नाम का जो वाइब्रेशन है उसी से विभीषण और हनुमान जी पुलकित हो जाते हैं। अगला चौपाई है, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमिदासन ही महु जिब विचारी, तात कब मोहि जानी अनाथा, करहि कृपा भानुकुल नाथा। मतलब कि भावार्थ ये है, विभीषण जी कहते हैं कि हे पवन पुत्र, मेरा कहना सुनो, मैं यहां वैसे ही रहता हूं जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? उसके बाद वो कहते हैं विभीषण जी, तामस तनु कछु साधन नाही, तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीत नपद सरोज मन माही, अब मोही भा भरोस हनुमंता, बिनु कृपा हरि कृपा मिल ही नहीं हसंता। मतलब तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीत नपद सरोज मन माही, अब मोही मा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। मतलब मेरा तामसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेमी है, परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। बोलते हैं मतलब हनुमान जी तो उनके लिए संत ही है, दोनों ही दूसरे के लिए संत है, क्योंकि दोनों ही सज्जन पुरुष हैं। जो रघुबीर अनुग्रह किन्हा, तो तुम मोहि दरसु हटि दिन्हा, सुनो विभीषण प्रभु कह रीति, करहिं सदा सेवक पर प्रीति। मतलब जब श्री रघुवीर ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके दर्शन दिए हैं। बेशक को दर्शन अपनी तरफ से था हनुमान जी के, पर ये तो कृपा रघुवीर जी की, रघुवीर जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। हनुमान जी कहते हैं, विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सदा सेवक पर अपना प्रेम न्योछावर करते हैं, वे सेवक से सदा प्रेम किया करते हैं। कहूं हूं कवच में परम कुलीना, कपि चंचल सबे विदेहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, तेह दिनता ही न मिले आहारा। अब भला कहिए, मैं ही कौन सा बड़ा कुलीन हूं, जाति का तो वानर हूं और सब प्रकार से नीच हूं। प्रातःकाल जो हम लोगों का नाम ले ले, मतलब बंदरों का नाम ले ले, तो उस दिन उसे भोजन नहीं मिले, मैं तो तुच्छ व्यक्ति हूं। यह हनुमान जी का कहना, आज भी आप देखेंगे तो लोग कहते हैं कि सुबह सुबह बंदर का नाम मत लो, नहीं तो पूरा दिन खाना नहीं मिलेगा। अगला दोहा है, असमय अधम सखा सुन मोह पर रघुवीर, किन्ही कृपा सुमरी गुण भरे बिलोचन नीर। बोलते हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूं पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में जल भरा था, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और फिर अगला चौपाई है, जानत हूं अस स्वामी बिसारी, फिर ही ते काहे न हूं ही तुखारी, यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनि व्राच्य विश्रामा। भावार्थ है, जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी को भुलाकर, ऐसे स्वामी मतलब राम जी, ऐसे स्वामी जी को भुलाकर भटकते फिरते हैं, वो दुखी क्यों न हो। तो इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय शांति प्राप्ति की है, मतलब परम शांति प्राप्ति की है। अब है अगला जो दोहा है वो है, पुनः ही सब कथा विभीषण कहीं,
जय विधि जनक सुतात रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहूं जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां रहती थी सब कथा कहते हैं। तब हनुमान जी कहते हैं कि हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूं। और यहां पर मैं आपका ये अध्याय खत्म करूंगा क्योंकि लंबा हो चुका है। इसके बाद फिर हम आपको अगले अध्याय में बताएंगे, और अगला अध्याय जो हमारा होगा वो होगा हनुमान जी का अशोक वाटिका में सीता जी का देखना और उनको देखकर बड़ा दुखी होना, और फिर रावण का सीता जी को भय दिखलाना। ये होगा हमारा अगला अध्याय, वो होगा अध्याय 4। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।